ये बहुत सारे मुआशरों में और तहजीबों में मुरवज था और अब भी मुरवज है, लेकिन इस्लाम ने इसकी नफी की है। बदशगुनी क्या है? किसी दिन को, किसी जगह को, किसी शख्स को मनहूस ख्याल करना। बाज़ लोग जानवरों के बोलने से बदशगुनी लेते हैं कि उल्लू बोल पड़ा है तो ये काम हमने नहीं करना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो ये काम हमने नहीं करना। इसी तरह बाज़ अशख़ास को मनहूस ख्याल किया जाता है कि बाज़ लोग मनहूस हैं। अमूमन बाज़ ख़ानदानों के अंदर किसी औरत को मनहूस ख्याल कर लिया जाता है और पूरे ख़ानदान के लोग उसके बारे में ये राय कायम कर लेते हैं कि ये मनहूसा है, और ये अगर सुबह सुबह इससे मुलाकात हो गई तो फिर सारा दिन ख़राब गुजरेगा। तो ये एक तसव्वुर है बदशगुनी का जो हमारी मुआशरत के अंदर पाया जाता है। जाहिलियत के ज़माने में ये सारी चीज़ें मौजूद थीं। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन सारी चीज़ों की नफ़ी की और अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। उलमा की सोहबत में बैठने वाले लोग काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचे रहते हैं। आम लोगों की ज़िंदगियों के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। जाहल पीरों, मुलंगों और ये बंगियों चस्सियों के पास बैठने वाले लोगों के अंदर तो कूट कूट के ये हिंदुआना चीज़ें रची बसी होती हैं। इसलिए हमें शरीयत बैज़ा के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपने नज़रियात शरीयत से ही लेने चाहिए। अहले इल्म की सोहबत में बैठने से नूर मिलता है और हकीकी रास्ता नसीब होता है। तो किसी को मनहूस करार दे देना ये हमारी अपनी इख्तिरा होती है, हमारा अपना वसवसाए बातिन होता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक तो मुतअद्दी मर्ज़ नहीं है कि अगर मैं इसके पास बैठा तो ये मर्ज़ मुझे इससे लग जाएगी। दूसरी बात इरशाद फरमाई, वला हामता, उल्लू का बोलना कोई माना नहीं रखता, उसकी आवाज़ कोई माना नहीं रखती। तीसरी बात फरमाई, और ना ही सितारों की कोई तासीर है कि फलां सितारे का ये असर है। इकबाल कहता है, ये सितारे मेरी किस्मत पर कैसे असर अंदाज होंगे जो ख़ुद अफलाक में ज़ारो ज़बूँ घूम रहे हैं। वो बाज़ कहते हैं, हाथ की लकीरें काम करती हैं जी, ये तेरे हाथ में फ़लाँ चीज़ की लकीर ही नहीं है, फ़लाँ की लकीर ही। वो बैठे होते हैं ना फुटपाथ के ऊपर, प्रोफेसर बाबा जो किस्मत का हाल बताते हैं, 10 रुपये लेते हैं, तो वो बता रहे होते हैं, तेरी किस्मत में ये है, तेरी किस्मत में ये है, तेरी किस्मत में ये है। वो किसी ने कहा, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ भी नहीं होते। तो ये लकीरों में किस्मत को तलाश नहीं किया जा सकता। जब बच्चा शिकमे मादर में 120 दिन का होता है, सही हदीस में आता है, फरिश्ता उसकी उम्र भी लिख जाता है, उसका रिज्क भी लिख जाता है, उसका शकी और सईद भी होना लिख जाता है। लिख दिया गया, कलम उठा लिए गए और सहीफे खुश्क हो गए, अब कोई नहीं लिखा जाएगा। तो जो शिकमे मादर में लिखा गया, लिखा गया। और चौथी बात, अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सफ़र कुछ नहीं है। यानी कुछ लोग कहते हैं ये जो सफ़र का महीना है ये बहुत ही सख्त महीना होता है और इन दिनों के अंदर सफ़र नहीं करना चाहिए, इन दिनों के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, इन दिनों के अंदर अगर शादी की जाए तो वो शादी कामयाब नहीं होती, इसलिए कि ये महीना मनहूस है। मैं आपको बताता हूँ कि इस सफ़र के महीने में सैयदना अली की शादी हज़रत सैयदा फ़ातिमा से हुई है। बताओ, इससे कामयाब कोई शादी हो सकती है? कोई कहते हैं जी इस महीने में अगर शादी हो तो औलाद नहीं होती। हज़रत अली और सैयदा फ़ातिमा की शादी हुई है, हसन और हुसैन पैदा हुए हैं, ऐसे कोई बेटे तो लाओ ज़माने में। हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा और हुजूर की शादी माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में हुई है। इसलिए हमारे उलमा इसको खाली सफ़र का महीना बोलने के बजाय सफ़रुल खैर या सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के नाम से पुकारते हैं, यानी कामयाबी का महीना, खैर का महीना। तो ये महज लोगों की इख्तराआत हैं। तो जिस तरह बाकी महीनों में शादी करने में कोई हर्ज नहीं, तो सफ़र के महीने में भी शादी करने में कोई हर्ज नहीं। आका करीम ने फरमाया, ये बदशगुनी लेना ये शिर्क है।
अल्लाह के तवक्कुल के मुनाफी बात है। इसलिए जाहिल लोगों का काम है कि लोगों को अवहाम में, वसवसों में मुबतला रखें, ज़ईफ़ुल एतक़ादी कायम रहे ताकि कुछ लोगों का काम चलता रहे, लेकिन अल्लाह के महबूब जो दीन लेकर आए उसमें इसको अलामत शिरक बताया गया। ये जो बदशगुनी है, ये फरमाया तुम्हारे अंदर का वसवसा है, और जब कोई बंदा अंदर से ज़ईफ़ुल एतक़ाद होता है तो फिर ये चीज़ें उसे पेश आती रहती हैं, उसको ये समझता है हाँ हाँ उसी वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाजगी और अपने शब व रोस में खिज़र राह बना लें। और ये किताब सरापा हिदायत है, सरापा नूर है, उजालों की नकीब है। ये किताब जहाँ किताबुल्लाह के साथ वाबस्ता होने का हुक्मनामा दिया, वहाँ अहले बैत की मोहब्बत का सबक भी सिखाया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने हाजत कही, हुजूर ने हाजत पूरी कर दी, लेकिन मैंने एक मंज़र देखा कि हुजूर ने जिस चादर की बुकल की थी वो चादर अतराफ़ से जुम्बिश में है जिस तरह अंदर कोई हो। तो मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर इस चादर के अंदर क्या है, फकाशाफा हो, तो हुजूर ने चादर खोल दी। कहते हैं जब चादर खोली तो मैंने देखा एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हैं, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हैं। कहा ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मालिक उससे भी प्यार कर। तो इनकी मोहब्बत का दर्स दिया, फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन नेमा, अल्लाह से प्यार करो कि वो तुम्हें नेमतें अता करता है, और मेरे से प्यार करो मैं तुम्हारे रब का भी महबूब हूँ। आज़म की कब्र पर अल्लाह करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे। क्या कमाल कह गए, अपना मायार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। फरमाया मुझसे प्यार करो मैं तुम्हारे रब का महबूब हूँ। और तीसरी बात फिर मेरे हुजूर ने फरमाई, वाहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो कि वो मेरे अहले बैत हैं। और इसकी तरगीब दी और इसके लिए तहरीज दिलाई, बल्कि हुजूर ने उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए, मनाकब बयान किए, उनकी अज़मतों को बयान किया। लोगों के सामने ऐसे आमाल हैं हुजूर के जिससे अहले बैत की मोहब्बत दिल में पैदा होती। मिंबर पे बैठे हैं मेरे हुजूर, इमाम हसन और इमाम हुसैन आ रहे हैं, हुजराए फ़ातिमा से निकले, छोटे बच्चे हैं, कभी गिरते हैं कभी संभलते हैं, हुजूर उनके लिए खुतबा छोड़ के लेने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि आका करीम तशरीफ़ लाए तो हुजूर का मुबारक नवासा हुजूर के साथ था, शहज़ादा साथ था। नमाज का वक्त हुआ, इकामत हुई, हुजूर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए, तो जब सजदे में गए तो हुजूर ने सजदा इतना तवील कर दिया कि सहाबा को लगा जैसे अल्लाह का अमर आ गया है, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम विसाल कर गए या फिर हुजूर पर वही का नुज़ूल हो रहा है, सजदा तूल पकड़ता जा रहा है। हज़रत शद्दाद बिन हाद कहते हैं कि मैं भी नमाज में था, खैर मैंने सजदे से सर उठा के देखा तो क्या देखा कि शहज़ादा हुजूर की पुश्त पे बैठा हुआ है। खैर नमाज ख़त्म हुई तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हम तो समझे थे शायद अल्लाह का अमर आ गया या वही का नुज़ूल हो रहा, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी पुश्त पे बैठा था। उनकी दिलजोई के लिए हुजूर सजदे को तूल दे रहे हैं। मैं एक जुमला यहाँ कहना चाहूँगा, ये लिखा गया ना किताबों में कि नबी का ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, ये कहने वालों ने कहा, लिखने वालों ने लिखा, इस पे अकीदे बने। मैं बात नहीं करता कि कौन था किसने लिखा, जिसने भी लिखा और उन्होंने बातें की कि नबी के ख्याल से नमाज टूटती है, मैं एक ही बात पूछता हूँ, मेरे रसूल के ख्याल में कौन था कि सजदे को तूल दे रहे थे, और मुझे फतवा दो कि रसूलुल्लाह की नमाज हुई है या नहीं हुई। साहेब अगर नबी के ख्याल में उम्मती हो तो नबी की नमाज नहीं टूटती, तो उम्मती के ख्याल में नबी हो तो फिर उम्मती की नमाज कैसे टूट सकती है। बाकी रही बात ख्याल की, आओ बुखारी उठाओ। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला ने, ये कौन से आबी हैं जिनकी बख्शिश का ऐलान, तौबा का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया। हजरत काब बिन मालिक कहते हैं, उसल्ले यो करीबम मिन हो
जब मैं खड़ा होता हुजूर के करीब तरीन खड़ा होता, क्यों करीब खड़ा होता, फाउसारिकुहु नजरा, इसलिए कि नमाज भी पढ़ता रहता, चोरी चोरी हुजूर की दीद भी करता रहता। नमाज भी होती रहती, रुखे मुस्तफा की दीद भी होती रहती।